हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एनजी फॉर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको एंगुलर मास्टर करना है तो मेरे इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एनजी फॉर करता क्या है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास दो सेलेक्ट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये सेलेक्ट कंट्रोल पहला जो है ये एचटीएमएल से बना हुआ है और दूसरा हमने एंगुलर के NG4 स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का यूज करके बनाया है। तो सबसे पहले वाले सेलेक्ट टैग में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे मैंने मैनुअली किया हुआ है। तो अगर आपको जितने भी आइटम्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मैनुअली ऐसे एंटर करने पड़ेंगे, राइट। और उसके बाद फिर वो आपका जो भी आइटम है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा एचटीएमएल के अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली इससे दो प्रॉब्लम्स है, एक तो हमारा कोड काफ़ी बड़ा हो जाता है और दूसरा ये स्टैटिक डेटा है। तो नॉर्मली जो हमारा जो एप्लीकेशंस होते हैं मॉडर्न एप्लीकेशंस, उसमें सारा का सारा डेटा हमारा सर्वर से आता है और इस सर्वर के डेटा को हम मैनुअली राइट नहीं कर सकते। तो एंगुलर के अंदर बेसिकली हम ng for स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करते हैं और यहाँ पर ng for के थ्रू ये सारा का सारा रिपीट कर देता है जो भी हमारा डेटा सर्वर से आता है। तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं इसके कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में अगर आप देखो तो हमने एक ऑप्शंस नाम का वेरिएबल स्ट्रिंग एरे लिया है और इसकी वैल्यू मैंने एक सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दिया है। तो इस ऑप्शन के अंदर ये 6 वैल्यूज आ गए हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को मुझे डिस्प्ले करना है अपने HTML के अंदर। तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा ng for डायरेक्टिव और यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ऑप्शन ऑफ ऑप्शंस। तो जो ऑप्शंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है उसको हम इटरेट कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में फॉर इच इसका आप यूज करते हो, बिल्कुल वो उसी के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हमने देखो लेट ऑप्शन ऑफ ऑप्शंस कर दिया और यहाँ पे ऑप्शन को हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ 1, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ पर वो डिस्प्ले हो गया। ओके, अब इसके बाद जो हमारा जैसे यहाँ पे ऑप्शन है 1, 1, 2, 3, 4, 5 ओके, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 आ गए। अब इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास इंडेक्स। तो इंडेक्स अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप करोगे इंडेक्स एज इंडेक्स, और इंडेक्स एज इंडेक्स करने के बाद इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, इसको कट किया और ये यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो इंडेक्स जो है बेसिकली एक आपके लूप का इंडेक्स बताता है। इंडेक्स क्योंकि जीरो बेस्ड है इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी इंडेक्स लगाते ही 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है कि और भी कई सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं एनजी फॉर के अंदर। दूसरा होता है फर्स्ट। तो फर्स्ट अगर आप अपने पूरे रिकॉर्ड के फर्स्ट आइटम को अलग से डिस्प्ले करना चाहते हो या इसका सीएसएस अलग करना चाहते हो तो आप उसे यूज कर सकते हो फर्स्ट। अब यहाँ मैंने क्या किया, फर्स्ट एज फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट हटा के यहाँ कर दूँ, अब यहाँ देखिए मैंने एन जी ए फर्स्ट किया है। तो अगर ये पहला रिकॉर्ड है तो उसमें दिस इज फर्स्ट वैल्यू आप डिस्प्ले कर दो। तो ये देखिए, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये दिस इज फर्स्ट वैल्यू, ये यहाँ पर एक कंडीशन हमने लगा दिया। उसी तरीके से आप लास्ट भी यूज कर सकते हो। लास्ट के साथ के बाद हमारे पास होता है काउंट। तो पहले मैं लास्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया एंड ओके, लास्ट हमने यूज नहीं किया है। तो ये रहा लास्ट, एंड लास्ट के बाद इसको मैं टोटल काउंट, टोटल काउंट भी देख लीजिए। टोटल काउंट के लिए हम यूज करते हैं काउंट। तो जो भी काउंट है आपके टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे पास 5 है, तो काउंट आपका दिखा देगा टोटल काउंट 5, 5, 5, 5, 5। ओके, तो ये टोटल काउंट आपका सभी जगह आ गया। ये देखिए सभी सभी आइटम्स में आ गया। लास्ट वाला जो है हम आपको यहाँ देख रहे हैं, देखो दिस इज लास्ट वैल्यू, दिस इज फर्स्ट वैल्यू। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आप इवन और ऑड भी यूज कर सकते हो। मैं कमेंट हटा ही देता हूँ अब। तो इवन और ऑड के लिए जैसे आप अपने रिकॉर्ड्स को इवन रिकॉर्ड्स को अलग से डिस्प्ले करना चाहते हो और ऑड को अलग से, तो ये देखिए दिस इज ऑड, दिस इज इवन, इवन ऑड ओके, और फिर आपका इवन ऑड। इस तरीके से आप इवन ऑड रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था वो है ट्रैक बाय। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन है, उस एंगुलर के एप्लीकेशन में सपोज कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1000, 2000 रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, इस आपके सेलेक्ट के अंदर। तो ये क्या होता है, अगर
अगर आप ट्रैक बाय यूज नहीं करते हो तो इससे परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। कैसे आते हैं? सपोज आपके पास 5000 रिकॉर्ड्स है जो आप डिस्प्ले कर रहे हो यूजिंग NG4, तो NG4 के थ्रू अगर 5000 रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हो अपने सेलेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर अगर प्रोग्रामेटिकली थोड़ी देर के बाद कोडिंग पे या बटन क्लिक पे आप कुछ नए आइटम्स उसमें ऐड या डिलीट करते हो, तो क्या करता है, अगर आप ट्रैक बाई यूज नहीं कर रहे हो तो पूरा का पूरा जो आपका सेलेक्ट आइटम, जो भी आपका HTML आइटम है डॉम के अंदर, वो पूरा का पूरा फिर से आपको सारे के सारे डॉम की प्रॉपर्टीज, डॉम में एलिमेंट सारा का सारा फिर से बनता है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एग्जांपल। यहाँ मैंने ट्रैक बाय यूज किया है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट को इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ आप देखो ये हमारा सेलेक्ट टैग है और इसके अंदर हमारे 5 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1 से लेकर 5 तक इसको ट्रैक कर रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे हमने एक बटन लिया हुआ है, और इस बटन में क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखो तो बटन में मैं इसी जो ऑप्शंस है एलिमेंट, यहाँ 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ था, उसको मैंने चेंज कर दिया फर्स्ट 8th, यहाँ देखिए 8th आ गया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो मैंने इस ऑप्शंस के एरे को चेंज कर दिया है जब हम ऐड कर रहे हैं न्यू, फॉर एग्जांपल हमने मतलब इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने ट्रैक बाय यूज नहीं किया है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ देखो ये आपका सेलेक्ट भी आपका हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब है कि डॉम के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर से एंगुलर बना रहा है। तो इट विल टेक टाइम, इससे टाइम लगता है उसको जनरेट करने में। ये देखिए फिर से देखिए, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका फिर से जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा विदाउट ट्रैक बाई है। अगर मैं इसमें ट्रैक बाई यूज कर लेता हूँ, ये देखिए अगर मैं इसमें ट्रैक बाई यूज करता हूँ, तो ट्रैक बाई में बेसिकली क्या होगा, ट्रैक बाई मैं खुद से लिख लूँ या कंट्रोल लेट सा, एक मिनट मैं, तो ट्रैक बाई यहाँ यूज नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ट्रैक बाई इक्वल टू, तो ट्रैक बाई बेसिकली क्या करता है, एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन में बेसिकली हम पास करते हैं ठीक है, तो ट्रैक बाई फंक्शन में हम बेसिकली पास करते हैं इंडेक्स एंड ऑप्शन, जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं इंडेक्स। तो इससे क्या होता है बेसिकली, अब एंगुलर जो है वो ट्रैक करेगा आपके इंडेक्स और ऑप्शन के वैल्यू के हिसाब से। तो अब एंगुलर को पता है कि आपके इस एनजी फॉर्म में क्या क्या वैल्यूज पहले से पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे मैंने ट्रैक बाई यूज कर लिया है, और अब मैं ऐड न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अब देखते हैं ये रिफ्रेश कैसे होता है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को पहले। तो ये हमारा सेलेक्ट का डॉम ट्री है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि अगर मैं ऐड न्यू करूँगा, क्योंकि अब देखो फर्स्ट के बाद हमने सेकेंड हटाकर 8th कर दिया है, तो अब ध्यान देने वाली बात है क्या है कि अब जो फिर से आपका HTML जनरेट होगा, क्या उसमें सेलेक्ट फिर से क्रिएट होगा या सिर्फ सेकेंड एलिमेंट हटके 8th आएगा और बाकी 6th और 7th ऐड होंगे। ये देखो, ये देखिए, समझ में आया, वो सिर्फ 8th को 6th और 7th इन जो नए आइटम्स है उसको ट्रैक करके वो सिर्फ उन्हीं को ऐड करता है इस NG4 के अंदर। तो यहाँ से हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए रिफ्रेश किया और यहाँ पर यहाँ डिस्प्ले, अब ध्यान देना सेकेंड हट जाएगा, क्लिक किया, ये देखो ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रैक बाई यूज करते हैं। तो ये हमारा था ट्यूटोरियल छोटा सा NG4 का, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।